हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक पोंचो पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, हमें चैंस बना लेंगे। चैंस आपको अपने कंधे पे थोड़ा सा राउंड आए, कंधे के ऊपर, तो जो आपको कंफर्टेबली आए। गले से थोड़ा बड़ा ही लेना है हमें, गले का नाप नहीं लेना है, तो गले से थोड़ा बड़ा लेना है, जो कंफर्टेबली आप किसी भी जिसके लिए बना रहे हैं उसको आराम से आ जाए। तो मैंने 80 चैंस लिए हैं, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। मैं छोटा साइज़ बना रही हूँ अंदाजे से ही, तो इसमें आपको कोई नाप की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको गले का नाप, उसका कंधे का नाप लेना है। तो ये मैंने 80 चैंस बनाई हैं। आप इसको क्या करेंगे, देखिए, ये जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें हम स्लिप स्टिच से उसको अटैच कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट वाली चैन, आपको जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि ये ट्विस्ट नहीं हो जाए। अगर ये बीच में से ट्विस्ट हो रही होगी, तो जब आप लास्ट में फर्स्ट रो बना के वापस लास्ट में आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, ये उल्टा हो जाएगा। अब बनाएंगे चैन 4, 1, 2, 3, 4 हमारे 1 डबल क्रोशिया के लिए और चैन 1 का हमने गैप देना है इसमें। तो ये देखिए जो फर्स्ट स्टिच है इसमें ही हम स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें मैंने क्रोशिया 4.50 mm का लिया है। तो आप अगर ये पोंचो या इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो आप इसमें बड़ा क्रोशिया भी ले सकते हैं, इससे जल्दी बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो फर्स्ट रो है हमें इसी तरीके से बनानी है, एक स्टिच छोड़ना है, फिर दूसरे स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम लास्ट तक बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। और ये जो हमारा चैन 3 हमने शुरू में बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है फोर्थ वाले में नहीं अटैच करना है। जो चैन 3 थी इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, इस तरीके से। अब ये देखिए हम स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाएंगे बीच वाले स्पेस में। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे चैन 5। शुरू में हमने चैन 4 बनाई थी, अब चैन 5 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 3 चैन हमने 1 डबल क्रोशिया के लिए और 2 चैन का गैप देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो हमने चैन 1 के गैप दिए थे, ये वाला स्टिच ये है, यहाँ पे हमारा चैन 1 का गैप नहीं है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और वापस इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी सेकंड रो है, तो हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 3 रो इस तरह की सेम बनानी है। वापस से यहाँ आएंगे, थर्ड वाले स्टिच में इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हमें 5 चैंस बनानी है, जो 2 चैन का गैप हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 3 रो और बना लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है, इसके अलावा 2 रोज और बनानी है हमें। तो लास्ट तक बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे का पैटर्न बताऊंगी। मैंने बना लिया है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अब ये देखिए, हम जब रो ख़त्म करेंगे, तो यहाँ से 3 वाली चैंस में, थर्ड वाली चैंस में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो ये जो मैंने रो बनाई थी वो मैं आपको कैसे बनाई थी, मैंने ये आप बता दीजिए एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से आ गए, चैन 5 बनाई, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी में देखिए हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो चैन 2 का दूसरा स्पेस है इसमें आ जाएंगे, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया सेम इसी स्टिच में। तो इस तरीके से मैंने ये रो बनाई हुई है। देखिए चैन 2 के स्पेस में ही हमें काम करना है, बीच में काम नहीं करना है। तो ये हमारी फोर्थ रो हो गई है, अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो के लिए हमें
यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। हर बार हमें बीच में आ जाना है, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2, अब चैन टू बनाएंगे, 1 और 2, और देखिए ये इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर देखिए यहाँ दूसरे वाले स्पेस में आ जाएंगे चैन टू के में, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन टू बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से तो जब हम इस राउंड को पूरा करके आएंगे तो यहाँ देखिए थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। पहले मैं एक रो बना देती हूँ, फिर आपको एक और बता दूँ। देखिए ये वाली रो भी मैंने लास्ट तक बना ली है। अब देखिए मैं आपको आगे की रो बता देती हूँ किस तरीके से बनेंगी। तो ये बना लिया हमने, अब ये जो 3 चैन बनाई थी उसके फर्स्ट वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। और अब हम यहाँ बीच में आ जाएंगे, तो हर बार हमें ऐसे ही करना है स्लिप स्टिच से। ये 2 चैन में हम यहाँ आ जाएंगे, बीच में 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे तो हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। चैन टू बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 1, फिर 1 डबल क्रोशिया और, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है, चैन टू बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमें ये जो रो बनानी है सेम इसी तरीके से बनानी है लास्ट तक, फिर लास्ट में हम लास्ट वाला पैटर्न डालेंगे। तो मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं पॉन्चोस के, तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये मैं पहले ही बना लेती हूँ, फिर हम लास्ट वाली रो बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी। मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है, आप ज़्यादा लंबा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप यही यूज़ करने हैं लास्ट तक। अब हम लास्ट वाली रो बनाएंगे, तो लास्ट वाली रो में हमें क्या करना है, देखिए इसी तरीके से हम बीच वाले स्पेस में आ जाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे। तो आपको जितना लंबा बनाना है उतना बनाने के बाद फिर आप लास्ट वाली रो बनाएंगे, ये वाली 1 2 3, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और बनाएंगे, 1 और ये 2, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब बनाएंगे चैन थ्री, 1 2 3, और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 8। इसी तरीके से हमें ये देखिए हर बीच वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, चैन 3 और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसा मैं लास्ट तक बना लूंगी, फिर आपको बताती हूँ, दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगेगा ये पूरा बनने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पॉन्चो पूरा हो गया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना इजी था बनाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।